स्टेशन पे ट्रेन का वेट नहीं किया और पटरी पे लेट के कर मेरी बीवी मेरे पर प्यार है हमको बचाने वाला फरिश्ता आ गया ये आ जा भाई हमको बचाने वाला फरिश्ता आ गया है आ जा भाई साहब कर क्या रहे हैं मर रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा है सुसाइड कर रहा हूँ क्या किस्मत है हमें जो बचाना है वही मरने जा रहे हैं भाई आप मर जाओ लेकिन पहले हमें तो बचा लो प्लीज बचने के बाद हम पूछने वाले थे सर नहीं नहीं हम पहले ही पूछ रहे थे भाई अब क्यों मरने जा रहे हैं अफगानिस्तान में मेरी पूरी फैमिली को बम से उड़ा दिया माँ बाप बीवी छोटे छोटे बच्चे एक बम आया और धड़ाम फोटो रखी है मेरे पास नहीं नहीं भाई यकीन है लेकिन भाई साहब हमने थोड़ी मारे हैं उन्हें अरे तो बचाए भी तो नहीं ना यार फिर क्यों जिंदा रहना चाहते हो और जी के करोगे क्या मान लो आज अगर बच भी गए तो कल को किसी गोली से मर जाओगे परसों बम से उड़ा दिए जाओगे तो बेहतर है कि आज चुपचाप लेट के मर जाओ बात सही है भाई सही बात नमस्ते क्या होगा अब अगर स्लो ट्रेन आएगी ना तो आस्ते आस्ते कटेंगे और अगर फास्ट ट्रेन आई ना तो कट 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 की बा मरने आया है बचा लिया ना जानता है ना कि ऊपर आया तो बहुत सारे सवाल करूंगा भारी किस्मत मरना कौन चाहता है और मर कौन रहा है हेलो 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 नमस्कार मैं हूं देव कुमार मलिक डी के मलिक गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है इमरजेंसी सेवाओं में आपकी हेल्प के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूं यहां अरे इमरजेंसी में किस कछुए को बिठा के रखा है यार इतना स्लो है यार नहीं नहीं आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है अरे हम एक प्राइवेट हवाई जहाज में हैं इसका पायलट बेहोश हो चुका है हम क्या करें अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है मैं उड़ा रहा हूँ बमन बमन हाँ तो बमन बमन मेरा नाम एक बार बमन है हाँ तो एक बार बमन आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना अरे भाई देखिए क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो 2084 किलो और 300 ग्राम का है पिस्टन टेक्नोलॉजी दो प्रोपेलर और दो पायलट कंट्रोल वाला एक प्राइवेट प्लेन है दो इंजन दो फैन और पहिए तीन अरे नीचे कैसे उतरे उतरने के लिए दो द्वार पीछे और एक इमरजेंसी द्वार कॉकपिट में है और कुल मिलाकर बात यह है कि यही है बकवास बंद कर और नीचे कैसे उतरना है वो बता जल्दी अरे भाई जल्दी का काम शैतान का होता है इंसानों को धैर्य रखना चाहिए अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है मौत नहीं नहीं मौत से पहले
आपके सामने एक बड़ा सा गोल व्हील है। हाँ, है है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। आ, दबा दिया। आगे बोलो। नहीं दबाना था। हाँ? वो बटन दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है। ठीक से सुनता नहीं यार। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आपका मेन इंजन बंद है और दूसरा इंजन चालू है। थैंक गॉड, दूसरा इंजन चालू है। नहीं नहीं, इंजन चालू है मतलब कंपनी का नहीं है, चालू क्वालिटी का है। फिलहाल चालू है मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ओ खुदा! अरे भाई हौसला रखिए, धीरज रखिए और कम से कम शांति तो जरूर रखिए। हमारे पास कुछ भी रखने का टाइम नहीं है। ओके, अभी आप एक काम कीजिए, फ्यूल मीटर पर इंडिकेशन देखिए। थैंक गॉड, यहाँ पे रेड लाइट चालू है। मतलब आपका फ्यूल भी खत्म होने वाला है। क्या? अब हम क्या करें? अब आप मेरे साथ साथ दोहराइए। क्या? क्या? हे भगवान, हमसे जो भी पाप हुए हैं, हे भगवान हमसे जो पाप हुए हैं, उन्हें माफ करना, उन्हें माफ कर दो। हम तेरी शरण में आ रहे हैं। हम तुम्हारी शरण। चुप, हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते भाई। चाहो ना चाहो, एक दिन सभी को मरना है, क्योंकि मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हमसे कभी दूर नहीं रहती। इंसान बेखबर रहता है और मौत पल पल उसके करीब बढ़ती रहती है और अचानक एकदम करीब पहुंच जाती है। सर, मौत हमारे भी करीब पहुंच चुकी है। हमें मौत से छिपना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत हमें कहीं भी ढूंढ सकती है। ए! क्या बात? जान मांग रहे हो? मैं मैंने थोड़ी तुम्हें प्लेन पे बिठाया यार। अबे हम भी तो हैं जो किसी की हेल्प नहीं मांगते, और तुम क्यों करते हो ऐसा काम कि किसी की हेल्प मांगने की जरूरत पड़े? अबे साइड ड्राइवर नहीं, बेन ने हरी बाइक ले जाए। आराम क्या तो